हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक डिश। यानी आपने अप्पे तो बहुत तरीके के खाए होंगे, पर आज मैं आपके लिए खिचड़ी के अप्पे लेके आई हूँ। तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये मैंने खिचड़ी ली है। खिचड़ी आप प्लेन भी ले सकते हैं, या आप जो छौंक के तैयार करके रखते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने छुकी हुई खिचड़ी ली है। तो अब इसके अंदर मैं ये बॉईल किया हुआ एक आलू ऐड करूँगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है आलू को। और फिर उसके बाद ये मैं दही लूँगी। तो दही मैं इसी चम्मच से यानी दो बड़े चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। और हमें एक प्याज लेना है बारीक कटा हुआ, वो भी इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने प्याज ऐड कर दिया है। अब हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर आधी चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि खिचड़ी के अंदर थी। अगर आपको चटपटा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। और नमक भी मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर यानी गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से मिल चुकी हैं। तो अब मैं चम्मच साइड में कर रही हूँ और इसके गोल गोल अप्पे बनाऊंगी। और आप इस बात का ध्यान रखें कि दही इसके अंदर गाढ़ा डालें। अगर आप पतला डालेंगे तो ये गोल नहीं हो पाएंगे। तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों पे इस तरीके से। यानी मैंने इस तरीके से ऑयल लगा लिया है और ये हाथों में लेके इसके छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स बना लें। तो मैं इसी तरीके से इसकी बॉल्स बना लूंगी, ये देखिए। और इसको साइड में रख के, और ये बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बॉल बन जाएंगी। और फिर इनको हम अप्पे स्टैंड में सेक लेंगे। तो ये मैंने अप्पे स्टैंड ले लिया है और गैस को मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था। तो ये प्री हीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा सा, केवल एक एक दो दो बूंद ही ऑयल इसके अंदर डालना है। तो ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब एक एक बॉल उठा उठा के इसके अंदर हम रख देंगे। तो ये मैंने सारी बॉलों में रख दिया है। तो अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद हम इनको इस तरीके से पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि इनका कितना प्यारा कलर आया है। ये नीचे से अच्छे से सिक चुके हैं। तो आप धीरे धीरे इनको पलट दें, ये बिल्कुल आसानी से पलटे जाएंगे इस तरीके। तो अब इसको हम पलट के देखते हैं कि नीचे से भी काफी अच्छे सिक चुके हैं। तो ये हमारे अप्पे बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और करूंगी मैं इनको अब गर्मा गर्म सर्व। तो हमारे गर्मा गर्म अप्पे बन के बिल्कुल तैयार हैं, यानी खिचड़ी के अप्पे बन के तैयार हैं। मैंने इनको चटनी के साथ सर्व किया। आप सॉस के साथ या चाय के साथ इसको कैसे भी खा सकते हैं। और ये 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है। अगर आपको मेरे खिचड़ी के अप्पे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ घर में रहें, सेफ रहें।